कर सकते आज मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स कटहल का छिलका, क्योंकि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। वैसे तो आप आम का छिलका, कटहल का छिलका, करौंदी का छिलका, कोई भी छिलका आप बना सकते हैं, मिक्स करके भी बना सकते हैं, पर मैं केवल मिर्चे, लहसुन और कटहल का छिलका बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कटहल को बढ़िया से देखिए सुखा लिया है इस तरह से। और इसमें ऐड करेंगे मिर्चे जो पहले से मैं सुखा के बढ़िया उसके डंठल तोड़ करके रख लिया है। और ये लहसुन है, खड़ा लहसुन इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से छील करके मैंने ले लिया है। ये है गन्ने का सिरका फ्रेंड्स, जो कि मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है। और वैसे तो मैं यूपी स्टाइल में सिरके की रेसिपी आपको बता रही हूँ। गन्ने को बहुत कम से कम 6 महीने तक रखा जाता है, तब जाके सिरके तैयार होते हैं। पर वो प्रोसीजर आपको नहीं करना है, आप मार्केट से ऐसे ही रेडीमेड सिरका ले आइए और बढ़िया से उसको खौला के उसको बनाइए। यूज करेंगे गुड़, सौंफ, मेथी, नमक, अमचूर पाउडर, और अगर आपके पास आम है तो आप अमचूर पाउडर यूज कर भी सकते हैं, नहीं ये आप पर है, और थोड़े हींग। तो ये आइटम जो है देख लीजिए फिर से, मेथी, सौंफ, गुड़, मैंने पहले ही दरदरा कर लिया है गुड़ को, अमचूर पाउडर, नमक, हींग, और इसके अलावा ये सिरके पे आपके मिर्चा, लहसुन और ये कटहल। तो ये सबको मिक्स करके मैं बनाने जा रही हूँ कटहल का छिलका, जो कि गन्ने से बनाएंगे, गन्ने के रस से। ये जाएगा गन्ने का छिलका, हमने पहले ही पका लिया था। अब थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स सारे आइटम के साथ कम से कम हम 10-15 मिनट तक इसको पकाएंगे, जब तक कि सारे आइटम कटहल वगैरह बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। इसको बढ़िया से हम इस तरह से डुबा देंगे और तब तक पकाएंगे 10-15 मिनट पकाएंगे, जिससे कि मिर्चे, लहसुन और ये कटहल सब बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। कटहल ज़्यादा थे इसलिए मैं 2 बर्तन में बनाया है। मैंने अभी भी गन्ने का सिरका ऐड किया है। अमचूर पाउडर थोड़ा कम लग रहा था, मैंने 1 पैकेट एक्स्ट्रा अमचूर पाउडर इसमें ऐड किया है। आप अमचूर पाउडर, कच्चे आम दोनों ऐड कर सकते हैं, इससे सिरका में बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाता है। इस तरीके से आप सिरका बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, इतना टेस्टी बनता है, कुछ की झंझट नहीं है। आप मार्केट से
दुकान से आप सिरका ले आइए बॉटल का, उसी से आप इसको बहुत ही टेस्टी घर पे सिरका बढ़िया सा कटहल का, लहसुन मिर्चा सबका सिरका आप मिक्स करके बना सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया है। तो जितना ज़्यादा आप अमचूर पाउडर इसमें मिक्स करेंगे उतना अच्छा लगेगा, खट्टा सा आएगा तो और टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। धीमी आंच पे थोड़े देर पकाया है मैंने इसको। सबसे पहले मैंने सारे आइटम को फ्राई करके निकाल लिया था, उसके बाद गन्ने के सिरके के साथ मैंने ऐड करके पकाया है। कम्प्लीटली जो है मेरा ये सिरका बिल्कुल परफेक्ट बन करके रेडी हो गया है। इसको आप पूरी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है। ये देखिए हमारा बिल्कुल कटहल भी चॉप्ड हो गया है, मिर्चे लहसुन सब बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, बहुत अच्छे से पक कर के रेडी हो गया है। इस तरह से आप भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी ऐसे ट्राई करिए, बनाइए, बहुत ही लाजवाब बना है। इस तरह से आप कटहल की अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।